लिहाजा अपने चाहने वालों से कहा, अपने सगे भाई से कहा, अपने बेटे से कहा, अपने ससुरे से कहा, देखो हम तनहा दरबार में जाएंगे, तुम दरबार के बाहर खड़े रहना। अच्छा जब मेरी आवाज रुचि हो तो समझना कोई खतरा है, उस वक्त तुम दरबार में आ जाना, लेकिन जब तक मैं इशारा न करूं तुम कोई ऐसी हरकत न करना जिससे दुश्मन को मौका मिल सके। जदीद के गवर्नर के दरबार में गए, कि दरबार मदीने में था, बाहर हुसैन का भाई भतीजा और खानदान के लोग दरबार लिए हुए खड़े हैं। अब जो अंदर गए तो उन्हें जदीद का मैसेज और पैगाम सुनाया गया और उसे बताया गया, वो हुसैन जदीद की बात मानो, इसके हाथ से बैठ करें, अच्छा तो फिर अभी जंग के लिए तैयार हो जाए और हम तुम्हें जंग का मौका न देंगे, तुम्हारे सर से खड़क कर देंगे। कि वो जदीद था जो अली के नारा के नाम सुन पर हुकूमत सुन पर बैठा हुआ था और इंसान सुन पर जनता सुन पर जुल्म और तशद्दुद कर रहा था। जो वही जदीद है जो अपनी माँ और पुत्रियों सबको नहीं छोड़ता था, जो कुत्तों के साथ खेलता था, जिसको इस्लाम नजीस करार देता है, उसने कहा याद रखो मैं जदीद को पहचानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, एक नजीस परीब इंसान है, वो खैरों पे, वो आम जनता पे, वो लोगों को ऊपर रह नहीं करता, उसके यहाँ रंग की कोई चीज नहीं पाई जाती, वो तेरे नाना के नाम सुनकर मजहब को खिलवाड़ करना चाहता है। याद रखो मुझे बहुत प्यारी है, मैं मरना दोबारा करता हूँ, लेकिन मैं उसके हाथ के ऊपर जमीन हाथों के ऊपर बैठ नहीं कर सकता। इसलिए तो हुसैन का मानना था कि जितना हो सके तुम लोग पढ़ो और इल्म हासिल करो और किसी जालिम के सामने घुटने मत टेको। हुसैन का मानना था देखो गरीबों को उनको कभी शुल्म से कम न करना, वो हमारे ही जैसे हैं, चाहे वो किसी बराबर के इंसान हो। हुसैन का मानना था औरतों के ऊपर हम मर्द ये हक रखते हैं कि हम उनकी रहनुमाई करें, हम उनको तब्दील नहीं कर सकते, हम उनसे बदाई नहीं ले सकते। लेकिन जदीद अपने दरबार में वो शर्मावर हरकतें करता था कि आज मुसलमानों की तारीख में सारी बातें मुख्य होंगी। वो शराब पीता था, वो सत्ते करवाता था, वो जुआ खिलवाता था और वो अपनी बहनों के साथ भी निकाह को जायज समझता था। हुसैन कैसे बर्दाश्त करते कि इस्लाम नाम के ऊपर जो सारे काम हो, इसलिए कि इनके नाना ने पहले बताया था हुसैन नेता याद रखो ये शख्स आएगा और मेरे नाम पे वो सारे काम करेगा जो हमारे मजहब में जायज नहीं है। हुसैन ने कहा मैं मजबूत छोड़ दूंगा, मैं घर से भेदभाव हो जाऊंगा, मैं अपने नाना के मजार को तर्क कर दूंगा, मगर मैं जदीद के मजबूत हाथों से बर्श नहीं कर सकता। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने मदीना छोड़ दिया। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और खवातीन निजाम के ऊपर मौजूद सुन रही है, हुसैन को इतना मजबूर कर दिया गया कि तरह हुसैन मदीने और अपने वतन से नहीं निकले, बल्कि वो मजबूर हुए कि अपने बच्चों को भी घर से लेकर के जाए, अपनी औरतों को भी उस मूल के अज्ञात में उस गर्मी के मौसम में जो अरब की चलती हुई गर्मी कि जिस पर ऊपर कहते हैं अगर दाना गिर जाए तो भूल जाता था, उनको इतना मजबूर किया गया कि अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उस मूल में लेके निकले, जहां तक के उनके गोद में एक ऐसा बच्चा था कि जब वो कर्बला में पहुंचे हैं तो उसकी पूरी उम्र टोटल उम्र 6 महीने की थी। हुसैन ने कहा मैं सच्चे मिशन के लिए निकला हूं, एक पैगाम देने के लिए निकला हूं, मैं जुल्म और जब्र और तशद्दुद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
لہذا میں سب کچھ برداشت کر لوں گا, لیکن جو ظلم ستم میرے سامنے کم ہو سکتا ہے, مجھے یہ برداشت نہیں کہ ہمارے گھر کے نام کے اوپر اسلام میں غلط باتیں داخل کی جائیں. اور حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کے نتیجہ تر سے ہوئی اور ارادہ ہے کہ مکے میں چلے جائے. کوئی مکہ اس مکے کو اللہ نے محترم قرار دیا, وہ مکہ جہاں تم پر کعبہ ہے, جہاں ہر مسلمان جا کے حج کرتا ہے, وہ مکہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ ایک جانور بھی یہاں نہیں مارا جا سکتا. لیکن نام نہاد مسلمان, وہ نام کے مسلمان وہاں بھی حسین کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے. حسین کو وہاں سے نکلنا پڑا اور اب حسین کربلا کی طرف روانہ ہے. کون کربلا؟ بڑی کربلا جہاں عراق میں موجود ہے, جہاں حسین کا روزہ پایا جاتا ہے, جہاں آج ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے بولنے کا جواب کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت ساری حکومت سے مقابلہ کیا تھا, اس لیے کہ انہوں نے سچے اسلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک عظیم پیغام دیا. آج دنیا بھر میں حسین کے چاہنے والے ماننے والے اسی طرح سے آزاداری کر رہے ہیں. آج یہ جو رات ہے جس میں ہم رات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عاشور کی رات ہے, یہ دسویں محرم کی رات ہے, کل کا دن وہ قیامت کا دن ہے کہ جب حسین کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. کس نے شہید کیا گیا؟ شہید کرنے والے ہندو نہیں تھے, شہید کرنے والے غیر مسلم نہیں تھے, شہید کرنے والے وہ نام نہاد مسلمان تھے جو حکومت سلطنت کے پجاری تھے, جن کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. اگر لگاؤ تھا تو انہیں اپنی حکومت سے لگاؤ تھا, انہیں ایسے مشرے سے لگاؤ تھا. وہ تو اللہ کے دین کو بدل کر کے حکومت کرنا چاہتے تھے. حسین سب بھاگ گئے تھے, کربلا میں آ گئے. کون کربلا؟ کیا حسین باہر کرنے تھے؟ نہیں, حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب بھی تھی, حسین کے ساتھ حسین کی بہن ام کلثوم بھی تھی, حسین کے ساتھ جوان بھائی عباس تھا, حسین کے ساتھ 18 سال کا